बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेजर्ट रोज साइकिस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। व्हाट इज हेरिडिटी, इन विच वी डिस्कस गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। In introduction of heredity, first of all we discuss inheritance, because after this we can easily understand what is heredity. Inheritance का मतलब होता है विरासत। अगर इसकी definition देखी जाए तो it means transmission of characteristics from parents to offspring. Offspring कहते हैं बच्चों को, और transmission of characteristics का मतलब ये होता है कि वालदैन के औसाफ़ का या फिर वालदैन की खूबियों का बच्चों में मुंतकिल होना। और अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो कलर ऑफ आइज़ आता है कि वालदैन की आंखों का कलर अगर ब्राउन होगा, ब्लैक होगा या फिर ब्लू होगा तो फिर चांसेस होते हैं कि बच्चों की आइज़ का कलर भी ब्लैक, ब्राउन या फिर ब्लू होगा। इसी तरह अगर स्किन कलर देखा जाए तो कुछ पेरेंट्स की स्किन जो है वो वाइट होती है, कुछ की ब्राउन होती है, कुछ की ब्लैक होती है, तो उनके जो पेरेंट्स के बच्चे होंगे उनकी स्किन भी आगे ऐसे पेरेंट्स से मैच करेगी। इसी तरह अगर डिंपल्स देखे जाएं तो जिन पेरेंट्स को डिंपल्स होते हैं उनके बेबीज के भी आगे से डिंपल होते हैं। इसी तरह अगर हेयर कलर देखा जाए, जिन किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के वाइट होते हैं, तो इसी तरह बच्चों के भी आगे से कलर उसी से मैच करेंगे अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये जो औसाफ़ या फिर ट्रेट्स पेरेंट्स के बच्चों में मुंतकिल होते हैं उनको हम करैक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या फिर ट्रेट्स कह सकते हैं, और अगर उर्दू में देखा जाए तो उसको हम खूबियाँ या फिर औसाफ़ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस में हमने सीखा कि वालदैन के औसाफ़ बच्चों में मुंतकिल होते हैं, जबकि हेरिडिटी में हम सीखेंगे कि कौन से वो मेकनिज़म हैं जिनके थ्रू वालदैन के औसाफ़ या उनकी खूबियाँ, करैक्टरिस्टिक्स या फिर उनके ट्रेट्स जो हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि हेरिडिटी का मतलब है वो तरीक़ेकार जिसके थ्रू खसूसियात वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो तमाम इंसान देखने में एक जैसे होते हैं, सिर्फ उनमें स्किन कलर का डिफरेंस हो सकता है। बाकी बुनियादी तौर पर हर इंसान की दो आंखें होती हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, इसी तरह उसके दो बाजू और दो टांगें होती हैं। ये सब ट्रेट्स इंसान की बुनियादी शिनाख्त हैं और ये वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। जबकि जानवरों में अगर देखा जाए तो तमाम एनिमल्स के बच्चे भी अपने वालदैन जैसी खसूसियात रखते हैं। कैट को अगर देख लिया जाए, एलिफेंट को, बफलो को या फिर टाइगर को, कोई भी एनिमल अगर ले लिया जाए उसकी एग्जांपल, तो उसकी खसूसियात जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती होंगी। इसी तरह जो हेरिडिटी के बाद हम डिस्कस करते हैं गैमेट्स को। गैमेट्स वालदैन की खसूसियात को बच्चों में मुंतकिल करने का वाहद ज़रिया होते हैं। अब हम देखते हैं कि गैमेट्स कहते किसको हैं। गैमेट्स को हम सेक्स सेल या फिर जर्म सेल भी कहते हैं। जर्म सेल्स आर यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो जिंसी तौलीद के लिए जर्म सेल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आ गैमेट सेल कंटेन्स डबल द जीनेटिक मटेरियल ऑफ अ नॉर्मल बॉडी सेल, यानी कि एक नॉर्मल बॉडी सेल के अंदर जितना जेनेटिक मटेरियल होता है उससे डबल गैमेट्स के अंदर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गैमेट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी। अगर मेल में देखा जाए तो जो सेक्स सेल होते हैं उनको स्पर्म कहा जाता है, जो कि टेस्टिस में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर फीमेल में गैमेट्स की बात की जाए तो उनके सेक्स सेल जो होते हैं वो एग होते हैं, और ये ओवरीज में पाए जाते हैं। मेल और फीमेल के गैमेट्स को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल के सेक्स सेल का इकट्ठा हो जाना। फ्यूजन मींस एक हो जाना या फिर इकट्ठा हो जाना, तो टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए या एक न्यू बच्चे की पैदाइश के लिए जब मेल और फीमेल के जर्म सेल इकट्ठे होते हैं तो उस अमल को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसी फर्टिलाइजेशन के दौरान पेरेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स उनके ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.